हेलो जी दानिश भाई। जी फरदीन जी, आपसे एक बात कंफर्म करना था जो कि कल से थोड़ा वायरल हो रहा है और जी किसी मीडिया चैनल के पोस्ट में बताया गया कि आप गांडे का जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है वो लड़ रहे हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी अफवाह है क्योंकि इसके बारे में मुझे भी अभी पता चला। मैं गया हुआ था कैपिडोकिया, बाहर हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन था। आज ही हम आए हैं वापस रांची, अभी लैंड किए हैं, थोड़े देर में गिरिडीह भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो सरासर एक अफवाह है और मैंने तो आपके आपसे मेरी बात हुई थी तो हम तो आपको बोले भी थे कि हम पार्टी के सपोर्ट में हैं आखिरी सांस तक। और क्योंकि हम लोग पार्टी की सुप्रीमो की वाइफ खड़ी हो रही है तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि सवाल ही नहीं उठता है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो ये तो एक अफवाह है और मुझे बहुत सारे अपने समर्थक लोगों का भी फोन आया तो हम उन लोग को भी बोलेंगे कि अभी ये सब अफवाह है और हम लोग को साथ में रहना है पार्टी के दानिश भाई, क्योंकि आपको भी पता है अभी ऐसा वक्त है कि ये बस गांडे विधानसभा सीट की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है पॉलिटिकल और पूरे इंडिया की पॉलिटिकल की बात है। तो गांडे वाले लोगों के हाथ में बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम लोग को, आपको भी, आप भी एक मीडिया चैनल चलाते हैं, हम भी पॉलिटिक्स में, तो ये इलेक्शन पार लगाने हैं और मैडम को एकदम भारी वोट से हम लोग इंशाल्लाह जिताएंगे। तो ये सब तो अफवाह है दानिश भाई, ये सब में बिलीव करने से कोई फायदा नहीं है। जो मीडिया चैनल ये चलाया हम तो उससे पूछेंगे कि आप कैसे चला दिए ये। जी वही अफवाह है। 29 को आप नॉमिनेशन में भी शामिल होंगे क्या? एकदम पूरे दम के साथ जी। पूरे दम के साथ मैडम के साथ अब आखिरी सांस तक है हम लोग। यही कंफर्म करना था आपसे क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे भी फोन किया। नहीं, ये अफवाह है, निर्दलीय खड़े होने का कभी हम सपने में भी नहीं सोचा है। पार्टी के साथ हैं, जब भी पार्टी सोचेगी कि मेरे खड़ा करना है खड़े होंगे, पार्टी को लगेगा कि नहीं खड़ा होना है नहीं खड़े होंगे, खत्म बात। यही कंफर्म करना था आपको। ठीक है महेश भाई।